की बड़ी खबर, जहां हरीश रावत ने पीसी कर बीजेपी पर निशाना साधा है। हुनर हाट में किए गए कार्यक्रम बीजेपी की छवि को चमकाने वाले सैन्य सम्मान यात्रा का भी किया जा रहा राजनीतिकरण। तो वहीं गैरसैंण में सरकार के खिलाफ 29 नवंबर को कांग्रेस अब हल्ला बोल करती हुई नजर आएगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक बार फिर राज्य सरकार की मुश्किलें यहां बढ़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है और अब गैरसैण को लेकर यहां पर सरकार को घेरने की कोशिश 29 नवंबर को कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। वहीं हरीश रावत द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा गया है। तो जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, ये वार प्रतिवार और बयानबाजी का भी सिलसिला छिड़ जाता है। और इसी बीच हरीश रावत द्वारा बीजेपी पर निशाना साधा गया है, जो कि हुनर हाट में किए गए कार्यक्रम के को लेकर के है, जिसमें उन्होंने छवि को चमकाने वाले सैन्य सम्मान यात्रा का भी राजनीतिकरण किया है। तो गैरसैण में सरकार के खिलाफ 29 नवंबर को कांग्रेस हल्ला बोल बोलेगी, जिसमें अहम मुद्दे इस वक्त के जो उठाए जा रहे हैं कांग्रेस द्वारा, वो महंगाई और बेरोजगारी ही है। और इन्हीं दोनों मुद्दे को लेकर के कांग्रेस बार बार बीजेपी सरकार पर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर हमलावर होती नजर आ रही है। ऐसे में बिल्कुल, और जिस तरह से राज्य सरकार की तरफ से यहां पर कुछ भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो विपक्ष उसे जरूर मुद्दा भुनाने की कोशिश करता है। और ऐसे में हाल ही में, चाहे अगर ताजा उदाहरण यहां पर दे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा था, जिसको लेकर विपक्ष ने यहां पर राजनीति की और रणनीति आगे बनाई, और इसके साथ ही 12 शिवालयों के दर्शन का और पूजन अर्चन करने की बात यहां पर कही गई थी। अब चूंकि पूर्व सीएम हरीश रावत काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव को ज्यादा समय बचा नहीं है, और ऐसे में हरीश रावत ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां बीजेपी पर निशाना साधा। हुनर हाट का कार्यक्रम चल रहा था, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो छवि है वो महज चमकाने वाली है, और सैन्य सम्मान यात्रा का जो राजनीतिकरण है वो बीजेपी करती हुई नजर आती है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अभी इंतजार सिर्फ बीजेपी की प्रतिक्रिया का है कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरह का बयानबाजी का दौर जारी है, ऐसे में बीजेपी क्या रिएक्शन देती है। बिल्कुल ऋतु, जैसे ही चुनाव नजदीक आ गए, उसको लेकर के अब सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से हरीश रावत पहले आम जनता पर जाकर के साथ मिलकर के जमीनी स्तर पर जाकर के अपने तमाम वादे और तमाम दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी बीच उसके बाद फिर से अब बीजेपी पर निशाना साधते भी वो नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक अहम चीज, अहम मुद्दे यहां उठ के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से राजनीति अब यहां पर देखी जा रही है, वो तो उत्तराखंड की या चरण पर पहुंच चुके हैं चरम पर, लेकिन अब राजनीति का जो असर है मिला जुला, वो कैसा नजर आएगा, ये दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही चुनाव नजदीक, वैसे ही तमाम कोशिशें जारी हो जाती हैं।